हेलो, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हमने जाना है कहीं, तो जहाँ जाना भी हम वहीं जाके बताऊँगी हमने कहाँ जाना है करके। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, गूगल जी भी रेडी हो चुके हैं, ऊपर पहुँच चुके हैं, तो मैं भी जाती हूँ तैयार होके ऊपर। तो अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के बाय बाय। अभी हम लोग निकल चुके हैं, मैं और गूगल जी निकल चुके हैं अभी, और हम कहाँ पहुँचे, महल चोरी के आसपास में। अभी हम पहुँच चुके हैं महल चोरी के आसपास पहुँच चुके हैं, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो चीज़ आपको हम वहीं जाके बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं करके, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं पूरी रोड गीली गीली है, और हमें गाड़ी में वाइपर चलाना पड़ रहा है क्योंकि पूरी गाड़ी में ओस ओस बन जा रही है, दिख नहीं रहा। दो बार उतर गए पूरी गाड़ी से, गाड़ी में सीसी से में पानी डाल दिया हमने, और इसलिए भी हमको वाइपर चलाना पड़ रहा है, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। 3 दिन से, 3 दिन यार, 1 हफ्ते से लगातार बारिश ही हो रही है यहाँ। ये देखिए मौसम, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जंगली मुर्गी है शायद से, ये पता नहीं क्या है। ये देखिए सुबह सुबह मुर्गी के दर्शन। आगे से लाइट पड़ गई यार, उड़ जाएगा वो, इधर है ये, उड़ गया, आगे फोन पे नीचे उड़ गया वो। अभी अभी हम पहुंच चुके हैं रानीखेत पे, और यहाँ पर लग चुकी है बारिश एकदम खतरनाक वाली, मतलब 1 हफ्ते से रोज बारिश ही हो रही है। और अभी हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे गोकुल जी के, नाश्ता लेने के लिए। और आप देख सकते हैं एकदम बारिश लगी हुई है यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, रोज की जगह पर, हमारा यहाँ पर रोज परमानेंट जगह हो चुकी है रुकने की, तो हम यहाँ पर हमेशा रुकते हैं। ये आ चुकी है हमारी, हमारी आ चुकी है पकौड़ी, और इस बारिश में पकौड़ी खाने का मज़ा कुछ और है ना, है। बारिश में पकौड़ी ना खाओ तो मज़ा नहीं आता है, पकौड़ी ज़रूरी चाहिए बारिश में। हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची मंदिर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अभी जाम लग चुका है बड़ी बुरी तरीके से, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहीं से लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, काफ़ी भीड़ हो रखी है। मेरी हालत बहुत बुरी हो रखी है, सुबह सुबह मैंने जूस पी दिया है दूध वाला पपी, रुको रुको बोल रहे थे, गाड़ी रुको कह रहे, तो मैंने सुबह उठते पपीते का जूस पी दिया था मूँगफली डाल के, उससे ना पेट घूम रहा मेरा, तो आज मेरा सफ़र थोड़ा अजीब जैसा हो गया है, ना ऊपर को आ रहा ना नीचे को जा रहा है। जाम लगा है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से जाम लगा हुआ है, दोनों साइड गाड़ी खड़ी कर रखी है, ये देखो आधी भीड़ तो गाड़ी की उससे हो रखी है। गोकुल जी वहाँ पर देखो उतना बड़ा ट्रक आ रहा है, लेकिन लोग फिर भी नहीं हट रहे हैं, ट्रक वाले भैया चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं, हटो हटो भैया करके, हटने को तैयार नहीं है बताओ। देखिए कैसी मंदिर में, अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पर बहुत देर तक जाम लगा हुआ था, 15-20 मिनट जाम लगा हुआ था, और ये कैची मंदिर दर्शन करें यहाँ से। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है मंदिर में, यहाँ से देख सकते हैं कैची मंदिर में, और यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ी लाइन लगी है। ये हल्द्वानी हल्द्वानी कर रहे हैं, 3 सीट पीछे बैठा ले। 3 सीट खाली है भाई हमारे, ड्राइवर हैं उनसे बोल दो भैया 3 सीट हमें भी दे दो। ये देखिए कैची मंदिर के यहाँ पर लगा है इतना जाम, और अभी हमको होने वाला है आधा घंटा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि गाड़ी ऐसे एक एक करके निकल रही है पहाड़ों की ओर, ये देखो। आया वो यहाँ से आने के बाद उसने फेसबुक की स्थापना करी, एप्पल भाग चुका। हम पहुँच चुके हैं भवाली सागे, और ये वाली रोड जाती है जिलीकोट को, और ये जाएगी ऊपर वाली रोड जाएगी सीधे नैनीताल को, ये रोड भी जाती है नैनीताल को, लेकिन ये थोड़ा आगे आगे जाके फिर ऊपर वाली रोड में जिलकोट के आसपास ये नैनीताल वाली रोड में मिल जाती है,
और अब हम यहाँ से सीधे नैनीताल को निकलेंगे। कितना दूर है यहाँ से नैनीताल? 9-10 किलोमीटर है, मात्र 9-10 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 9 किलोमीटर। के आसपास थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर बचा है, तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हुए थे, रिलैक्स होने के लिए। तो अब हम निकलते हैं नैनीताल की ओर, तो आपको भी नैनीताल का व्यू दिखाएंगे मस्त तरीके से। और हम आए हैं आज नैनीताल। गुगल जी को कुछ काम था, नैनीताल हाईकोर्ट जाना था। हाईकोर्ट में क्या काम है? ऑफिस का है कुछ काम। हम लोग ऑफिस से कुछ काम आया था तो फाइल देने जाना था, तो हमारा अचानक ही प्रोग्राम बन जाता है, कुछ पता नहीं रहता है। एक केस का भी है ना हमारा। अच्छा, तो हम अचानक ही तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। हमारी कोई प्लानिंग नहीं रहती कहीं जाने की, तो हम अचानक ही आ जाते हैं। चलो फिर अब आप हमको, अभी हम आपको नैनीताल दिखाते हैं, ठीक है? और हम पहुँचने वाले हैं नैनीताल, और नैनीताल यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ का व्यू। और हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, और यहाँ पर इतने सारे घर बने, पूरा अल्मोड़ा की तरह दिख रहा है ना। अल्मोड़ा में भी तो ऐसी है। हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, और उच्च न्यायालय है 3 किलोमीटर, काठगोदाम है 35 किलोमीटर, माल रोड तो हम पहुंच चुके हैं। अभी हम माल रोड पे है ना, और अभी हम माल रोड पे पहुंचे हैं, और राज्य भवन 2 किलोमीटर है। ये है नैनीताल, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल फाइनली। और अभी आपको हम यहाँ से नैनीताल का व्यू दिखाएंगे। ये है नैनीताल, यहाँ से आप नैनीताल देख सकते हैं, और इधर से बोटिंग करने का भी है। यहाँ पर से आए और यहाँ पर ही से बोटिंग कर सकते हैं। नीचे देखिए मस्त लग रहा है व्यू। और यहाँ नैनीताल में भी काफ़ी भीड़ हो रखी है, आज भी ऑफ सीज़न में भी भीड़ हो रखी है यहाँ। उधर सामने नैना देवी का मंदिर है, और वहाँ से भी बोटिंग होती है। सामने यहाँ से दिख रहा होगा आपको नैना देवी का मंदिर, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इधर उस साइड को है नैना देवी का मंदिर। और यहाँ पर लोग मस्त तरीके से बोटिंग कर रहे हैं, देखिए। हम यहाँ से कहाँ को जाएंगे? हाई कोर्ट की ओर। इस यहाँ से ऊपर को सीधे हाई कोर्ट की ओर निकलेंगे। अरे वो मैप में मुझे अलग ही रास्ता दिखा रहा है। और वो ऊपर वहाँ जो दिख रहा है ना, ऊपर चाइना पिक है ना, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, नैनी नैना पिक भी बोलते हैं उसको। पर से पूरा नैनीताल दिखता है, पूरा नैनीताल का व्यू दिखता है, इसलिए टॉप से कभी जाएं तो आप ऊपर टॉप में जाएं, चाइना पिक, वहाँ से पूरा नैनीताल दिखेगा आपको। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। हाईकोर्ट सीधे ऊपर को जाएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी भेजते हैं, इसकी इस रोड में भीड़ हो जाती करके यहाँ से भी भेजते हैं। और ये पूरा इधर पार्किंग का है, और उधर
मस्जिद है और उसके ठीक नीचे नैना देवी का मंदिर भी है। यहाँ से है अपना नहीं, कहाँ से है? नीचे से, नीचे से मोड़ना पड़ेगी गाड़ी आपको आराम से। हाँ ये है मस्जिद, देख सकते हैं आप। और ये एक कॉलेज का ग्राउंड है ना, ये कॉलेज का ग्राउंड है और इधर भी पूरी पार्किंग हो रखी है। और अब हम यहाँ से सीधे ऊपर को ऊपर की ओर निकलेंगे हाई कोर्ट की ओर। और इधर को गवर्नर हाउस है और सीधे हम हाई कोर्ट की ओर निकलेंगे यहाँ से। अभी हम मल्लीताल आ चुके हैं और जितने भी सरकारी काम वगैरह हैं सब मल्लीताल पे होते हैं। हाई कोर्ट हो गया और नैनीताल का कॉलेज हो गया, अप्लाईमेंट ऑफिस वगैरह सब यहाँ मल्लीताल पे मिलेंगे। और ये पूरा हाई कोर्ट है, ये महाधिवक्ता कार्यालय हाई कोर्ट के बगल से एक रोड जाती है तो यहाँ से ऊपर को जाएंगे अब हम। और ये है हाई कोर्ट, इसमें दिख नहीं रहा अभी लेकिन साफ। अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे इधर की ओर। ये है ना महादी, ये चर्च है, और इधर यहाँ है चर्च, ये है आपका ऑफिस। और अभी हम नैनीताल पहुँच चुके हैं इस टाइम पे। और अभी यहाँ ना इतनी बड़ी दिक्कत है कि पार्किंग गमला गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है, तो अभी हमने ऐसी रोड के किनारे ऐसी खड़ी कर रखी है। गोकुल जी गए हैं पार्किंग देखने के लिए तो अभी हम अभी ऐसी रोड के किनारे रुके हुए हैं, तो देखते हैं कि जगह मिलती है नहीं मिलती है हमें, ठीक है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नैना देवी के मंदिर में और हम पहले नैना देवी मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से नैनीताल का व्यू भी दिखाएंगे। ये देखिए, और ये है भोटिया मार्केट, यहाँ पर आपको सारे वैरायटी के कपड़े मिलेंगे, ठंडियों के भी गर्मियों के, लेकिन यहाँ पर ठंडियों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, जैकेट हो गए, कोट वगैरह हो गए, तो काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं भोटिया मार्केट। यहाँ देख सकते हैं कितनी मस्त मस्त जैकेट आई हुई है, कोट वगैरह। और मंदिर का मेन गेट यहाँ से अंदर को जाने के लिए। अब हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और यहाँ से मेन गेट अंदर को जाने के लिए। ये है मंदिर नैना देवी, यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है यार कसम से, बहुत ज्यादा। और ये है नैना देवी का मंदिर जो यहाँ पे को काफी भीड़ हो रखी है मंदिर में। ये देखिए मंदिर में फोटो खींचना अलाउ नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से नैनीताल का व्यू और काफी सुंदर लग रहा है। मौसम धूप आई नहीं है लेकिन इसलिए थोड़ा सा धुंध लगी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ से नैना देवी का मंदिर। और ये नीचे देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, यहाँ पर सारे कलर की मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। देखिए उधर देखो कलरफुल है, ऑरेंज कलर की मछली उधर। अब गोकुल जी बताएंगे आपको नैनीताल के बारे में कुछ, बताओ। जो उत्तराखंड का इतिहास मिलता है ना, मानस खंड, स्कंद पुराण के मानस खंड में कुमाऊं का इतिहास और केदारखंड में गढ़वाल का इतिहास मिलता है। तो मानस खंड के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में ना तीन ऋषि आए थे, अत्रि, पुलस्य और पुलक। उनको कहीं भी पानी नहीं मिला था
तो उन्होंने मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर झील से पानी लाके इस झील में पानी भरा था, तब से यहाँ लगातार पानी है। और ये जो नैनीताल नाम पड़ा है ना, ये ऐसा माना जाता है कि जो देवी सती थी उनके जब शरीर को, सती वाला जो शरीर था वो जब शिव जी की पत्नी पार्वती माता जी जब हरिद्वार से ले जा रहे थे कैलाश पर्वत की ओर, तो बीच में आते समय यहाँ पे उनका आँख गिर गया था, तो जिसे नयन बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम नयना देवी मंदिर पड़ा और इस झील का नाम नयना झील पड़ा। और इस झील को त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं, इसके तीन कोने, एक कोना वहाँ, एक कोना वहाँ और एक कोना यहाँ। अच्छा। इन तीन कोनों में तीन ऋषि ने तपस्या भी करी थी, अलअत्रि, पुलस्य और पुलौमे, इसलिए इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। और इसकी खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी, नैनीताल की खोज। नैनीताल का उससे पहले नाम था छखाता नाम था। छखाता नाम था। ये है मार्केट, बुटिया मार्केट। यहाँ पर कपड़े अच्छे मिलते हैं और कुछ अच्छा नहीं मिलता है कपड़े। और क्या यहाँ की क्या फेमस? मोमोज और थुप्पा। मोमोज और थुप्पा यहाँ के फेमस है। और यहाँ पर इस साइड को खाने पीने का है। खाने पीने का नहीं, यहाँ पर खाने पीने का है, बस इतना ही है नैनीताल में। और यहाँ बारिश लग चुकी है, अब हम भी निकलते हैं घर की ओर, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। और अभी यहाँ पर बन रही है हमारी सॉफ्टी, ये है मेरी सॉफ्टी और हमारी आइसक्रीम। ठंडों में आके ठंडे का मज़ा नहीं लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठंडों में आके ठंडे का मज़ा लेना चाहिए। जो मस्त हो रही है, कैसी हो रही? कैसा लग रहा? अच्छी हो रही, अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा। ये नैनीताल बोट हाउस क्लब है ना, जो यहाँ पर ही है? हाँ, यहाँ पे नहीं है। हाँ, इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने की इसकी स्थापना। अच्छा, क्या था ना उस टाइम पे जो बोट में घूमने वगैरह का जो अधिकार था ना, केवल अंग्रेजों को ही था, अंग्रेज लोग ही जाते थे। तो उन्होंने हमारे भारत के लोगों के लिए भी बोट में घूमने के लिए या बोटिंग करने के लिए ये बोट हाउस क्लब की स्थापना की। अच्छा, ये है हमारे भुट्टा जो गोकुल जी ला चुके हैं। एक मेरा, एक गोकुल जी का। खाओगे आप या दोनों में खा लो? खा सकते नहीं यार, एक आप भी खा लो। अभी हम नैनीताल से निकल चुके हैं और यहाँ हमको नैनीताल में भी काफ़ी बारिश लग चुकी है। जहाँ देखो वहाँ बारिश, जहाँ देखो वहाँ बारिश बारिश। गैरसैंण में भी यही हाल था, यहाँ भी यही हाल था। गैरसैंण में तो मैं एक हफ्ते तक कमरे के अंदर पैक हो गई थी, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ धूप भी नहीं आ रही थी। यहाँ भी अभी इतनी भयंकर बारिश लग चुकी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भयंकर बारिश लग गई है और हमको शीशे से बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इतनी खतरनाक रोड हो रही है कि आगे से गाड़ी भी आ रही थी, सी निकल रही है, पता भी नहीं चल रहा है। हाय, भयंकर हो रखा है मौसम, झमाझम बारिश लगी हुई है। मस्त एकदम बढ़िया, पता ही नहीं चलता हम लोग कब कहाँ पहुँच जाते हैं। अचानक ही प्लानिंग बनती है हमारी, है कल भी ऐसी हुआ, आज भी ऐसी हुआ। काम कभी भी आ सकता है तेरा। वो तो है, खैर कुछ बोल नहीं सकते हम काम के लिए तो। ये देखिए यहाँ पर अभी कितने भयंकर तरीके से ओले पड़ गए हैं और सारी गाड़ियाँ यहाँ लग चुकी है लाइन में, भयंकर हो गया और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। आप भी देख सकते हैं कि कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना। बोनेट में आगे से देख सकते, पूरी ओले जम गए यहाँ आगे से, गाड़ी अच्छे से चला जा रहा।
अभी हम पहुंच चुके हैं घर और इस टाइम हो रहा है 3:30 बजे। 3:30 बज चुके हैं। नो मर जाएगा बदतमीज, बदतमीज है मेरा डग्गू। क्या कर रहा है नंगू, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सारे कपड़े गिरा दिए खींच खींच के, खींच खींच के सारे कपड़े गिरा दे रहे। और हम पहुंच चुके हैं घर, लेकिन यहाँ सूरज तो है ही नहीं, सूरज गया है घूमने मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर गया है सूरज घूमने के लिए। ये हमारी मम्मी जी जो पानी लेके आ गई है। अभी हम पहुंचे हैं गेठिया और भी आप यहाँ पर चिड़िया की आवाज़ सुनना, बड़ी मस्त आवाज़ आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे भेड़ और ये चराने के लिए यहाँ लेके आ रखे हैं इतने दूर। और नीचे भैया लोग वहाँ इस वाले घर में बैठे हैं और ये देखिए इतने सारी बकरी 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 है, बकरी है भी और भेड़ भी है, इसमें मिक्स हैं। ये देखो मैं पहुंच चुकी हूँ गैरसैंण और अभी ख़तरनाक धूप लगी हुई है और मैं पहुंच गई थी 11:30 के आसपास, 11 बजे के आसपास, हाँ 11 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे। और अभी बजा है, अभी बज चुका है 2, तो यह अभी कल रात भर यहाँ बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हुई थी तो, लेकिन अभी धूप आ चुकी है। अभी आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, बादल भी लगे हैं लेकिन धूप भी आ चुकी है एकदम खिलती हुई। चलो फिर मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।